సమాజం టీవీ అందరికీ నమస్కారం. సమాజం టీవీ ఛానల్కు స్వాగతం సుస్వాగతం. ఈరోజు మనం ఇంటర్వ్యూ చేయబోతున్న అతిథి గురించి ముందే తెలుసుకుందాం. అన్ని దానాలకెల్లా గొప్పదానం అన్నదానం అని భావించి ఆకలితో ఉన్నటువంటి పేదవాడి ఆకలి తీర్చడమే అన్ని మతాల సారంగా భావించి ముక్కు ముఖం తెలియనటువంటి వ్యక్తులను చేరదీసి వాళ్ళ ఆకలితో అలమటిస్తే చూస్తూ ఉండలేక వాళ్లకు పట్టడి అన్నం పెట్టి వాళ్ళ ఆకలి తీరుస్తూ వాళ్ళ మన్ననలు ఆశీర్వాదాలు పొందుతున్నటువంటి ఒక గొప్ప వ్యక్తిని మనం ఇంటర్వ్యూ చేయబోతున్నామండి. ఆయన ఏం అంబానీ అదాని లాంటి కోటీశ్వరుడు కాదు, అతను పనిచేస్తూ నెలవారి జీతంతోనే బతుకుతున్నటువంటి వ్యక్తి. అమౌంట్లో నుంచి చాలా ఎక్కువ శాతాన్ని అన్నదానం కోసం ఖర్చు చేస్తూ సమాజ సేవే తన ధ్యేయంగా తన కళ్ళ ముందు ఎవరు కూడా ఆకలితో అలమటించడం చూస్తూ ఉండలేనటువంటి వ్యక్తిత్వాన్ని కలిగిన ఒక గొప్ప వ్యక్తిని మనం ఇంటర్వ్యూ చేయబోతున్నాం. అన్నదానులకి అన్నదానమే గొప్పదని నమ్మి దాన్ని మనసా వాచా కర్మన కులం జాతి మతం అనే భేదాలు లేకుండా అతను పరిచయం ఉన్న వ్యక్తి, పరిచయం లేని వ్యక్తి, అతను కుటుంబ సభ్యుడా, అతను రక్త సంబంధి కూడా ఎలాంటి తారతమ్య భేషజాలు లేకుండా కులం మతం జాతి అని ఎలాంటి భేషజాలు చూపకుండా ఇక్కడ ఇంతమంది ఆ బండి రావడంతోనే అతని వాహనం రావడంతోనే ఇంతమంది క్యూ కట్టి భోజనం కోసం క్యూ కట్టడం జరిగింది. ఇక్కడ మీరు ఆ దృశ్యాలను చూడొచ్చు. ఇంతమంది మొహంలో మా ఆకలి తీర్చి అన్నదాత వచ్చాడు, ఆకలి లేకుండా కడుపుండా తిని సంతోషంగా ఉండగలుగుతామని చెప్పేసిన వాళ్ళ మొహంలో ఆనందం వెలువరుస్తుంది. వాళ్ళ యొక్క అభిమానాన్ని, వాళ్ళ యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని చూరగుంటున్నటువంటి అజర్ గారిని మనం ఈరోజు ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి వచ్చామండి. అస్సలాం అలైకుం భాయ్ జీ, బోలియే ఆప్ आपको ऐसा तरह सोच कैसे आए, कितने साल से आप कर रहे हैं? बोलिए आपको. ये हम 2012 से कर रहे हैं. हंगर हैज नो रिलीजन के नाम से, भूख का कोई मजहब नहीं होता. और इसकी करने की वजह यह है कि बचपन में मैंने काफ़ी भूख प्यास देखा हूँ. मैं खुद ही दो दो दिन कभी खाने को नहीं होता था. जब मेरे फादर की डेथ हुई तो मैं बिल्कुल छोटा था, तो मेरी माँ ने बड़े मुश्किलों से मुझे पाला है. तो मुझे ये एहसास है कि लोगों का दर्द का एहसास है. भूख जब इंसान को लगती है तो वो किस कदर बेचैन हो जाता है. ये सारे चीज़ों का एहसास मुझे था, शुरू से है. तो इसीलिए ये काम मैं कर रहा हूँ. अभी आप लिमिटेड कमाते पैसा, इसमें से आप कितना खर्चा कर सकते हैं? इतने लोगों के खाना डेली खिला रहे, कैसा कितना खर्चा होते हैं? आपका काम कौन सा काम करते हैं आप? मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम करता हूँ, POP फॉल सीलिंग का, जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग होता है वो काम करता हूँ. और ये जो काम मैं करता हूँ इसके खर्चे का जो इंतज़ाम है ये ऊपर वाला करवाता है. मैंने कभी कोई कैलकुलेशन नहीं किया. और इसमें मेरे सोशल मीडिया पे काफ़ी फ्रेंड्स हैं, उन लोगों का सपोर्ट है. पिछले 5 साल से वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं. स्टार्टिंग के 2 ईयर्स ऊपर वाला ने मुझसे ही काम ले लिया. तो मैं कभी ये कैलकुलेशन नहीं किया कि मैं क्या कमा रहा हूँ, इसमें क्या डाल रहा हूँ. जब इंसान अगर वैसा सोचता है, अपना कैलकुलेशन जब करने लगता है इंसान, तो ईश्वर के लिए, अल्लाह के लिए काम नहीं कर सकता. इंसान को कहीं ना कहीं अपने सेल्फनेस आ जाती है. ये सोचता है कि मैं इतना कमा रहा हूँ, इसमें क्यों डालूँ. जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये डाउट 100% होता है. तो मैंने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया. और मैंने कभी ये सोचा नहीं कि ये काम कैसे होगा, ये काम कहाँ से आएंगे पैसे. मैं हमेशा यही सोचता था कि अगर ऊपर वाला काम लेना चाहता है मुझसे, या मुझे दे देगा, या कोई भी आ जाएगा मेरी हेल्प के लिए. आप भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है. तो देश के कोने कोने से लोग मेरे साथ जुड़े हैं. तेलंगाना के कई नौजवान हैं जो जुड़े हैं. सबके साथ की वजह से ये काम चल रहा है. ये काम मेरा अकेले का नहीं, ये काम सारे देश के युवाओं का काम है. कभी भी आपका खानदान से ऐसा कई को कर रहे, इतना पैसा कैसा खर्च, कई को खर्चा कर रहे, अब खानदान के लिए खर्चा करेगा तो जमा करेगा तो अच्छा रहता बोल के, आपका फ्यूचर जनरेशन के लिए अच्छा रहता बोल के कोई भी नहीं बोला अभी तक? आपका फैमिली का कोऑपरेशन कैसा है इसमें? मेरा फैमिली तो हमेशा मुझे फुल कोऑपरेट किया है. जब मैं स्टार्ट किया था प्रोग्राम तो मेरी वाइफ ने 3 मंथ्स कुकिंग की इन लोगों के लिए. तो मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरी मदर का, मेरी वाइफ का, मेरे बच्चों का काफ़ी सपोर्ट है. अब दुनिया वाले तो बोलते हैं, एक मिसाल है कि पहले घर को चिराग तो बाद में मस्जिद को चिराग, ऐसा मिसाल देते हैं लोग. मगर वह हकीकत में इसकी कोई मायने नहीं है. इंसान वही है जो दूसरों के काम आए. हर अपने लिए तो हर कोई जीते हैं. अगर मैं अपना सेल्फ सोचूंगा मैं, तो ऊपर वाला जो है, जो दुनिया में जितने लोग हैं ज़रूरतमंद, उनके बारे में कौन सोचेगा? ऊपर वाला किसी ना किसी को, एक आदमी को सेलेक्ट करता है दूसरों के दर्द तकलीफ़ के लिए. और मैं ये मानता हूँ कि मेरी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ऊपर वाला सॉल्व कर देगा, मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है. मैं बच्चों को हमेशा यही, मेरे बच्चों को यही बोलता हूँ कि आप अच्छा पढ़ लीजिए,
आप लाइफ में सक्सेस इंसान बनिए, मैं आपको यहाँ तक सपोर्ट करूँगा, मैं आपको बंगला नहीं दूंगा, मैं आपको गाड़ी नहीं दूंगा, अच्छे संस्कार दूंगा, आप लाइफ में आगे बढ़िए, अपने बलबूते पे आगे बढ़िए, मैं आपको जो अच्छी तालीम अच्छी तरबियत देना है वो मैं दे सकता हूँ। तो लोग बोलते हैं और लोग उसी, एक कहावत है, लोग उसी दरख्त को पत्थर मारते हैं जिस पे फल लगे होते हैं। अब मुझे कई लोग बोलते हैं आप शराबी को खाना खिलाते हो या आप रोड पे लोड पे जो रहते हैं उनको खाना खिलाते हो, ये क्यों करते हो? तो जब दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो इसे हमें कोई वास्ता नहीं है कि वो शराबी है, वो कौन है, वो क्या है, इससे हमें कोई वास्ता नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है वो भूखा है तो उसकी भूख मिटना चाहिए, उसके उसकी भूख मिटना चाहिए और वो खुश होके जाना चाहिए। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। अभी अभी इतना खर्चा करके इतने आदमी लोगों का खाना खिला के भूख मिटा रहे आप, उन लोग दुआ देते हैं, आपको कैसे लगते हो? अरे वही तो मेरी एनर्जी है, वही तो मेरी एनर्जी है, वही तो मेरी स्ट्रेंथ है, वही मेरी ताकत है, उन लोगों की दुआएं हैं जो मेरी हिम्मत है। हम यहाँ करते हैं डबेलपुरे में करते हैं, हम 7 ईयर्स से करते हैं और यहाँ गांधी हॉस्पिटल करने 4 ईयर्स हो गया है। हम बेंगलोर में करते हैं 3 ईयर्स हो गया है, टांडूर में करते हैं वहाँ 2 ईयर्स हो गया है, तो अलीगढ़ में करते हैं, आसाम में करते हैं, झारखंड में करते हैं, अभी रिसेंटली हमने 1 महीना पहले औरंगाबाद महाराष्ट्र में भी स्टार्ट किया। तो ये सारी की दुआएं हैं, जो लोग खाना खा के जाते हैं उन लोगों की दुआएं ही हैं जो हम काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। मेरा मकसद ये है देश से भूख नाम की चीज़ मिट जाए और हमारे हिंदुस्तान से भूख को हम फांसी दे दें। तो इसमें युवाएँ काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, यूथ हमारे देश का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में सारा यूथ एक दूसरे का दर्द समझने लगेगा और एक दूसरे की भूख मिटाने की पूरी कोशिश करेगा। आपको कौन सा उम्र से ऐसा इसी तरह सोचा है आपको आदमी लोगों का भूख मिटाना बोल के, आप किधर तक पहुँचने तक आपको ऐसा वाला सोचा है? देखिए बचपन से जो है ना, बचपन से मेरी माँ हमेशा मुझे एक बात कहती है, बचपन में कुछ अच्छी बातें होती हैं जो माँ अपने बच्चों को सिखाती है। मेरी माँ हमेशा ये बोलती थी, बेटा अगर तुम दूसरों के काम आओगे तो ऊपर वाला तुम्हारे काम आएगा, तुम अगर लोगों की फिक्र करोगे तो ऊपर वाला तुम्हारी फिक्र करेगा। तो ये बचपन से ये बात जहन में है कि अगर हम लोगों की मदद करेंगे तो ऊपर वाला हमारी मदद करेगा। ये तो मैं जब से होश संभाला हूँ, जब मैं 8 ईयर्स 9 ईयर्स का था तब से ये सोच है। कम से कम अगर हमारे पास पैसे नहीं भी हैं तो हम किसी को ये तो पूछ सकते हैं, अगर किसी को तकलीफ़ में देखें तो ये तो पूछ सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या तकलीफ़ है। तो बचपन से एक माँ ने सीख दी है, अगर हम लोगों के लिए करेंगे तो ऊपर वाला हमारे लिए करेगा, और ये फैक्ट है ये बिल्कुल। और फ्यूचर का प्लानिंग्स क्या है आपका, ये कितने तक पहुँचने के लिए सोच रहे हैं आप? मेरा फ्यूचर का प्लान तो जैसे मैंने कहा कि मैं देश से भूख नाम की चीज़ मिटा देना चाहता हूँ। अभी रिसेंटली 2 महीने पहले वर्ल्ड हंगर इंडेक्स रिपोर्ट आया था जिसमें हमारा देश 3 नंबर पे था, 103। हमसे ऊपर बांग्लादेश है, हमसे ऊपर नेपाल है जहाँ पर भूख नहीं है, हमारे देश में भूख काफ़ी है। तो मेरा ये मकसद है कि हमारे देश में कोई भूखा ना रहे, कोई भूख से ना मरे। ये काम को मैं इंडिया के कोने कोने में करना चाहता हूँ, जिस तरीके से हम अब 8 अलग अलग स्टेट्स में कर रहे हैं वैसे ही हम इंडिया के कोने कोने में ये काम करना चाहते हैं। और लोगों को हम दुनिया की डिग्री लेने से पहले इंसानियत की डिग्री साथ लेके चले, हम ये मैसेज देना चाहते हैं लोगों को। खाली इंसान कैसा जीना बोल के आप वो मैसेज दे रहे हैं? बस इंसानियत ही सब कुछ है। अगर आप अच्छे हिंदू हैं, अपने मज़हब के मानने वाले हैं, तो आपको पहले अच्छे इंसान बनना चाहिए। अगर मैं मुसलमान हूं तो मैं अपने मज़हब को चाहता हूं तो पहले मुझे अच्छा इंसान बनना चाहिए, उसके बाद हम अच्छे अपने मज़हब के अपने रिलीजियस के मानने वाले बन सकते हैं। सारे रिलीजियस का एक ही मैसेज है कि इंसानियत फर्स्ट, पहले इंसानियत है बाद में सब है। तो ये चीज़ों को हमारे युवा भूलते जा रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि इस बात को हमारे देश के नौजवान याद रखें कि पहले इंसानियत है, पहले लोगों की हेल्प करना है, पहले लोगों का ख्याल करना है, उसके बाद हमें अपने बारे में सोचना है। जिस दिन ये मेरा मैसेज लोगों तक पहुंच जाएगा और लोग काम करेंगे उस दिन मेरी सक्सेस है। ये पूरा प्रोसेस में आप एक बार भी अमिताभ जी से अभिनंदन भी लिए थे, वो टाइम में आपका एक्सपीरियंस कैसा था, वो अमिताभ जी क्या बोले आपको? अमिताभ जी ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी बात है, अमिताभ जी किंग हैं, बॉलीवुड के फिल्म इंडस्ट्री के किंग हैं, शहंशाह हैं वो। तो उनके साथ बैठना, उनके साथ बात करना वही बहुत बड़ी बात है,
उन्होंने भी हमारे लिए दुआ की और कहा कि अजहर भाई हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप इसी तरीके से काम करते जाइए। तो वो मेरे लाइफ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जाहिर सी बात है, एक इंसान जब एक नॉर्मल इंसान अगर एक सुपरस्टार के साथ बैठता है नेशनल चैनल पे, उनके साथ बात होती है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और इसका सारा क्रेडिट मैं अपनी माँ और अपने देश के जितने भी मेरे सोशल मीडिया पे फ्रेंड हैं उन्हीं को देना चाहता हूँ। उन्हीं की वजह से मैं ये काम कर रहा हूँ, क्योंकि सबकी दुआएं मेरे साथ हैं, तो ये उन्हीं का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरे दोस्तों का। ये जी बहुत बहुत बड़े काम कर रहे हैं आप, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मतम जाति मुख्यम कादु, आकलितो उन्ना కడుపు నింపడమే నాకు ముఖ్యం. అన్ని మతాల్లోని సారం ఎదుటి మనిషిని ఆదుకోవడం. నేను నేర్చుకున్నది సమాజం నుంచి, అదే నేను అదే సమాజంలో వ్యాప్తి చేయాలనుకుంటున్నాను. కాబట్టి ఈ విధంగానే నా జీవన విధానాన్ని ముందు ముందు కూడా కొనసాగిస్తాను. నా కనుచూపు మేరలో వీలైనంత వరకు ఎక్కడ కూడా ఆకలి లేని భారతాన్ని, నా కళ్ళ ముందు ఆకలితో అలమటిస్తున్నటువంటి సమాజం లేని భారతాన్ని నేను చూడదలుచుకుంటున్నానని చెప్పని వాళ్ళ యొక్క అభిప్రాయాన్ని మనకు తెలియజేయడం జరిగింది. ఇది ఈరోజు అతిథితో ఉంటారు. రేపు మరో ముఖ్య అతిథితో రేపు మళ్ళీ కలుద్దాం. ధన్యవాదాలు. SAMAJAM TV.